तो स्मोका काम क्या करते हो? दो स्टेशन के बीच के भाग को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं और किसी ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन तब तक एंटर नहीं कर सकती जब तक कि उससे पहले गई ट्रेन ब्लॉक सेक्शन से बाहर नहीं निकल जाती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मियां एक्सप्रेस को अपने यहाँ से रवाना करने से पहले जौनपुर के मास्टर रतिशंकर शुक्ला आगे पढ़ने वाले स्टेशन मिर्जापुर के कालीन भैया से ब्लॉक सेक्शन के खाली होने, रास्ते में पड़ने वाले गेटों के बंद होने और मिर्जापुर स्टेशन पर ट्रेन को सुरक्षित एडमिट करने के वचन के रूप में प्राइवेट नंबर मांगते हैं। रेलवे की भाषा में इसे लाइन क्लियर मांगना कहते हैं। मियां खलीफा एक्सप्रेस को लाइन देने माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मेरा मतलब लाइन क्लियर देने से पहले कालीन भैया मकबूल से कहकर रास्ते में पड़ने वाले सभी गेटों को बंद करवाते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लाइन क्लियर लेने और देने का काम जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है उसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रतिशंकर शुक्ला को लाइन क्लियर देने के बाद मास्टर कालीन भैया और पॉइंट्समैन मकबूल अपनी अपनी झंडियां लेकर बेसब्री से मियां एक्सप्रेस का इंतजार करते हैं। स्टेशन से गुजरते समय मास्टर और पॉइंट्समैन खलीफा एक्सप्रेस के पुर्जे पुर्जे को चेक करते हैं और सेफ्टी इंश्योर के एक्नॉलेजमेंट के रूप में अपनी अपनी झंडियों को हिलाते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौटा। रेलवे की भाषा में इसे ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कहते हैं। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी खलीफा एक्सप्रेस को स्टेशन के किसी कोने में डालने, मालगाड़ी के किसी बीमार डिब्बे को काटकर स्टेशन के हॉस्पिटल मेरा मतलब सिक लाइन में ले जाने या किसी ट्रेन से डीजल इंजन काटकर उससे इलेक्ट्रिक इंजन चिपकाने की प्रक्रिया को शंटिंग कहते हैं। लोको पायलट की जिस प्रजाति के द्वारा ये काम किया जाता है उसे शंटर कहते हैं तथा शंटिंग करने वाले बूढ़े इंजन को शंटिंग लोको कहते हैं और जिस प्राणी के द्वारा ये घिनौना काम करवाया जाता है उसे मास्टर कहते हैं। मास्टर और लोको पायलट कुत्तों की तरह लड़ते हैं और इस पूरी लड़ाई को फील लेकर एंजॉय करने वाले जीव को पॉइंट्समैन कहते हैं। आपको मैंने याद पहले वाली सबसे मारा में छोटे पहले से मारी थी। आका बहुत बढ़िया, इस पंच में तो मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, मारो ऐसी मारो। थैंक यू। दो चार दिन से स्टेशन के लूप लाइन में खड़ी मियां खलीफा एक्सप्रेस या मालगाड़ी के डिब्बे इतने बोर हो जाते हैं कि सारे बिना इंजन के घूमने निकल जाते हैं। रेलवे की भाषा में इस घटना को लोड का रोल डाउन होना कहते हैं। रोल डाउन को रोकने के लिए और लोड को स्टेबल करने के लिए मास्टर ब्रेकमैन में हैंडब्रेक बंधवाता है, दोनों ओर के चक्कों पर चार चार वुडन वेजेस लगवाता है, दोनों ओर के एक्सेल को चेन से बांधकर उसके ताले लगवाता है तथा एक एक डिब्बे के हैंडब्रेक लगवाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेफ्टी लेते हुए दोनों ओर के चक्कों के नीचे छोटे छोटे पत्थर रखवा देता है। इतना सेफ्टी से काम करने के बावजूद भी आजकल के 3 से लेकर 7 साल के नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे और चप्पल चोर बच्चे चक्के के नीचे रखे इन छोटे छोटे पत्थरों का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो, मतलब ट्रक के अंदर, गाड़ियों के अंदर मैंने ईंट वीट लगा के गाड़ी रोकते देखा था, लेकिन छोटे से पत्थर से भाई ट्रेन को रोका हुआ है, ट्रेन के डब्बे रोके हुए हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? लोड स्टेबल करने का काम मास्टर पॉइंट्समैन से करवाता है और सच बताऊं तो पॉइंट्समैन ऐसा करते समय बहुत बुरा रोता है। किसी लोडेड मालगाड़ी को फैक्ट्री से स्टेशन तक लाने या एम्प्टी मालगाड़ी को स्टेशन से फैक्ट्री तक ले जाने की प्रक्रिया को प्लेसमेंट कहते हैं। 10 घंटे की ड्यूटी के बाद जब लोको पायलट को प्लेसमेंट के लिए कहा जाता है तो वो बहुत बुरा रोता है। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वकांडा की रेलवे ने मास्टर को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि उसके धड़कने ट्रेन की चक्के के साथ ही चलती है। जब भी इस सेक्शन में ट्रेन का चक्का रुकता है, मेरा मतलब इंजन या ट्रेन खराब हो जाती है, तो मास्टर की सांसें फूलने लग जाती है। 20 सेक्शन में इंजन के खराब हो जाने पर जहां लोको पायलट बीमार इंजन को दवा दारू पिलाता है, मेरा मतलब ट्रबल शूटिंग करता है, असिस्टेंट लोको पायलट वुडन वेजेस लगाने, हैंड ब्रेक बांधने और पटरियों पर पटाखे लगाने में व्यस्त होता है और गार्ड पीछे से, अरे यार गार्ड भी पीछे से लोड को सिक्योर करने में व्यस्त होता है। ऐसे टाइम में रेलवे के अधिकारियों के द्वारा मास्टर को आज तक का संवाददाता समझ लिया जाता है। 20 सेक्शन में खराब हुई ट्रेन की जानकारी लेने के लिए मास्टर को सेक्शन कंट्रोलर, AOM, DOM, सीनियर DME, DRM, रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्री अमित शाह, मोदी जी, जो बाइडेन, एंजेला मर्केल, यहां तक कि पुतिन भी लगातार फोन कर करके पूछते रहते हैं। लेकिन मास्टर की असली खोपड़ी तब खराब होती है जब दीन दुनिया से अनजान यात्री मास्टर के केबिन में आकर पूछता है, ये ट्रेन कब आएगी? किसी डिवीजन में चलने वाली गाड़ियों की प्लानिंग जिस अमित शाह के द्वारा की जाती है उसे सेक्शन कंट्रोलर कहते हैं।
एक सेक्शन कंट्रोलर अपने डिवीजन में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाकर रेलवे के राजस्व को बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमारा मास्टर रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशन को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करके उसके सपनों पर पानी फेर देता है। इसी वजह से मास्टर का सबसे ज्यादा झगड़ा सेक्शन कंट्रोलर से होता है। एक लोको पायलट और स्टेशन मास्टर का रिश्ता देवरानी जेठानी जैसा होता है, जो मुंह पर तो एक दूसरे से बहुत मीठे बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहते हैं। 10 घंटे इंजन में आलू की तरह उबलने के बाद जब थका हारा लोको पायलट रिलीफ के लिए स्टेशन मास्टर को वॉकी टॉकी पर आवाज लगाता है, तो मास्टर उसका कोई जवाब नहीं देता है। हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूं। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हेलो हेलो। जब थका हारा लोको पायलट मास्टर के ऑफिस में पहुंचता है, तो रिलीफ के बदले मास्टर उसे प्लेसमेंट या शंटिंग के ऑर्डर पकड़ा देता है, जिसे देखकर लोको पायलट और मास्टर के रिश्ते के बीच की दूरियां और बढ़ जाती है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वैसे देखा जाए तो पूरी गलती मास्टर की भी नहीं होती है, क्योंकि लोको पायलट से काम करवाने वाली अदृश्य शक्ति तो डिवीजन में विद्यमान होती है। फोन बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं, तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है? अपने नॉर्मल व्यूअर से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम लगातार 8 से 10 घंटे ऑफिस में बैठकर जोनी सिंस की तरह एक से ज्यादा काम एक साथ कर सकते हो, तो तुम्हें मास्टर बनने की तैयारी करनी चाहिए। वीडियो में 1%